आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. देख लीजिए जहां जहां जगह में थिएटर दर्श हो जाइए. सोहेल भाई टाइम पे पहले ही बैठ गए फटाफट. और कितने ऐसे लोग हैं जो थर्ड टीम में दो चार लोग हैं वो बार बैठ के केवल गरियाते हैं कि मुझे मेरे मेरी बैटिंग बॉलिंग नहीं आती है. मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ. नहीं बोलना चाहता. सोहेल भाई सब सही चल रहे है इधर, कोई टेंशन नहीं है. सिद्धू जी एक आध बार लेट आए थे लेकिन ठीक है. नहीं नहीं मैं बता क्यों बता रही है सब. मैं अरे प्रोड्यूसर के भाई है वो. अच्छा तो बताने पड़ेगा ना उनको. यही सब जानने के लिए आए ले वो इधर. सपना वो सीसीएल का प्रमोशन करने आए हैं. ओ ये क्या हो रहे थे. अच्छा 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 मालूम है मेरे को. ओ हो है क्या था आगे. थोड़ा इधर चले गए रे. अच्छे खासे हैंडसम आदमी को देखो चुड़ैल बना डाला है. सारा नहीं लगा गई. मैं अगर सामान लगा के आएगी तो ये लोग फिर क्रिकेट किससे खेलेंगे. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं पहले दो शो देखता था टीवी का. अच्छा। आज लगता है एक ही शो में 200 समाहित हैं. और इनको मैं आपका तो हम बड़े फैन हैं. ये पहले भोजपुरी फिल्म में काम. आप वही कृष्णा विषय की है ना. नहीं मैं वो नहीं. कौन बोलता है ऐसा. मैंने इनका भाई है. इसका भाई है कृष्णा. मेरा भाई है कृष्णा. कितनी फिल्में वही हो. और अरे सर भोजपुरी में कम से कम नहीं तो 30 से 35 पिक्चर फ्लॉप दी है उसने. हाँ ऐसा थोड़ी है. नहीं मैं वही. आप वही हो. मैं समझ गया. सोहेल भाई आपको धन्यवाद दे दोनों को साथ खड़ा करने के कमाल है. और मैंने इसको इनको तो मैं पहले से हम लोग शो में देखते थे जब ये अपने स्टैंडिंग कॉमेडी के लिए आते थे. अचानक इनको और इनको हमने अपने जीवन में पहाड़ होते हुए देखा. पाजी पहले काम मांगने आते थे. लव यू सर. थैंक यू. बहुत अच्छा. मसाज पार्लर में आना है. आते बड़ा बड़ा फिल्म स्टार लोग क्रिकेट खेल रहा. इट्स गुड फॉर हेल्थ. बॉडी बना रहता है यार. फिटनेस बहुत जरूरी है जीवन में. हम भी सर सच्चाई में देखा जाए तो हम बाहर से ही मोटे अंदर से हम वेरी थिन. बहुत पतले हैं हम. मान लो तो यार. मानो तो सच्चाई मानो. अच्छा लगता है दिल को. चलो तितली नहीं मुझे नवराज पाजी से बात करनी है. नवराज पाजी शुक्र है तुमने बात की. नहीं तो मैं सबके लिए छोले भटूरे लेने जा रहा था. नहीं पाजी मैं आपको ना एक ट्यूब लिख के दूंगी. आप रोज सुबह शाम जैकेट पे लगाना. पिंपल नहीं होंगे. पाजी एक और रिक्वेस्ट है. हाँ जी. मेरे ना पीठ पे खुजली हो रही है. वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा आपके तीखे बालों से ऐसे करके. मैंने आपको क्या कहा. दूसरी टीम की बुराई करने की जरूरत ही नहीं है. हम अपने में लगे पड़े. लेकिन आज मैंने पहली बार किच्चा को यहाँ ऐसे हंसते बोलते देखा हूँ. वरना टूर्नामेंट के दौरान हाय सुदीप भाई. मतलब आधा बिना खेले हरा दे दहशत से. पता नहीं कौन ऐसा होता है. सुदीप भाई कर्नाटक में गए हुए. इन्हीं के घर गए हुए. सुदीप भाई सर वो खाली आपकी रिस्पेक्ट है. बाकी हमको तो उतना देखते भी नहीं है. वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे. एक आदमी है पूरे सीसीएल में जिससे अगर प्यार से उस बोल दीजिए कि मुझे मैच जीतने दो तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यार तुम ही जीत जाओ. वो सोहेल खान है. इतना सबके लिए प्यार. फुल लव.
क्योंकि मैं जानता हूँ हम लोग हारने वाले हैं, ले लेता हूँ। अच्छा जोक्स अपार्ट, दुबई में जो मैच हुआ था हम लोग का, सर इन लोग का एक बॉलर था सर, सर बैट कर रहे थे सर, फर्स्ट बॉल में वो सोचा फर्स्ट डाउन गया, विकेट विकेट लिया, एंड आई वॉज थिंकिंग वेस्ट इंडीज का कोई बॉलर होगा, मतलब खेल लेंगे अभी क्या है, फर्स्ट बॉल बैट उठाया सर, बॉल दिखी नहीं विकेट कीपर के हाथ में, मैं बोला सो तो दिखाना चाहिए हम लोग भी बंगाल के, सर जाके विकेट विकेट ठोक के आगे वापस। नेक्स्ट बॉल फिर बैट उठाया सर, बॉल नहीं दिखा, ऊपर उधर में ना वो किलोमीटर को जो कितना स्पीड में बॉल घुमा सर, देखा 140, बोला ये कहाँ से आया। मैंने अंपायर को जाके बोला सर नेक्स्ट टाइम मैं आपके गोदी में आता हूँ जब स्पीड ले लेगा। I don't know, वो कौन था सर, झूठ मत बोल, बोल कौन था वो, मणिकुट्टन, एंड दैट गाय विकेट कीपर, पाजी विकेट कीपर एट दैट स्पीड स्टैंडिंग अप टू द विकेट, तो या तो स्टंप कर ले रहा है, बोल्ड होना ही है, तो बैट ही क्यों उठाए। अच्छा सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, जैसे ही कोई ऐसा बॉलर लाते हैं लोग ना, कि डाउट हो गया कि ये थोड़ा एक्टर नहीं है, इसको लाया गया है, तो मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है, तो इसके पहले वो सबसे पहले हमारे पास आएगा, और भाई साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अब जो कंप्लेन करने वाले हैं, अब मैं सोच रही तुम्हारे ऊपर ही हम लोगों का जाना था, कंप्लेन जाना था, तो अपनी भाषा में थोड़ा अंग्रेजी में, क्योंकि सब अलग अलग जगह के हैं, और ये मेरा आपके साथ, तो आपने जो बॉलर का बात किया ना, वो सबसे पहले मेरे कमरे में आ गया, क्योंकि हम लोग लिख चुके थे कंप्लेन उसके खिलाफ। सर उसी बंदे ने ना सर दुबई में टूर्नामेंट उस सेम मैच में छत पे मारा सर, छत पे, इंद्राशीष बोल के हम लोग का जो बॉलर है, ही इज आवर बेस्ट बॉलर सर, हंसी की कोई बात नहीं है, ही इज अ बेस्ट बॉलर सर। वो फर्स्ट बॉल किया, वो लेफ्टी है बैट्समैन, ऐसे करके बैट किया, जो अभी दिखा रहे थे ना सोहेल भाई, मैं बोला ठीक है यार ओके, फर्स्ट बॉल कोई बात नहीं यार, छे तो 20-20 है, मारेंगे ना, ले वो फिर घिस के फिर बॉल आया, टंग, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, मैं बोला कुछ कोई बात नहीं, तीन मारा ना और नहीं मारेगा, ले बॉल का चल दो, और उसके बाद सर पांच छक्के मारे उसको, मैं बोला तू छोड़ दे अभी, हम लोग अंडर आर्म में खेलते हैं, वन टू वन हैंड। आपने वो कभी हवा खरीदी जिसमें चिप्स भी होते हैं? हाँ, और पैकेट हवा ज्यादा सबने खरीदे, देख लो होते इतने से ही है, पूरा भरा होता है, और पैकेट ऐसा होता अंदर मरने से चिप्स निकलते रहते हैं, उन्होंने खाली हवा में ना फ्लेवर देने के लिए डाले होते हैं, सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। अच्छा कुछ लोगों को तो सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाने के बहाने चाहिए, ऐसे लोग ना कान में जाके ऐसे फोटो बोलते, सर मैं इधर वेटर है, चाय लेंगे या कॉफी, इधर बंदा खड़ा किया फोटो खींच, और फिर ऐसी फोटो खींच के ना ये फेसबुक पे डालते हैं, सिद्धू साहब को पॉलिटिकल सलाह देते हुए, मतलब पर इस फिल्म में ऐसी फिल्में करने में कितनी परेशानी आती है, बिकॉज आप बीहड़ में शूट कर रहे हैं, आसपास मुझे नहीं लगता कोई होटल भी होगा रहने के लिए, दूर से आप ट्रैवल करते होंगे, कितना क्या क्या मुश्किलें आई आपको फिल्म करने में? सर मुश्किलें तो थी, बहुत मुश्किल थी, मतलब एक बार मैं सोच रहा था इंजीनियरिंग कर लेता बीच में ऐसे ख्याल आए, लेकिन फिर प्यार भी बढ़ जाता है, जैसे इतना मतलब इतनी धूप होती है वहाँ पे और इतनी प्यास लगती है, कोई पानी दे दे तो वो इंसान भगवान लगने लगता है, तो वो छोटी छोटी चीजें से पता चलता है कि कितनी हम बड़ी बड़ी चीजें मिस करते हैं। बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक नेसेसिटीज, उनकी अब कदर करने लगती है। मुझे याद है गर्मियों का समय था, मतलब धूप कड़कती हुई धूप थी, और इतनी इतनी टीलों के छांव में ना पूरा क्रू यूं रुका हुआ है कि कहीं थोड़ी मतलब हम बच जाए, उसमें कोई एक एंटरटेनिंग इंसान होता था तो जोक सुना रहा था, फिर दोस्त बन रहे थे इस तरीके से, चल के अंदर जा रहे बीहड़ में, यहाँ पे मतलब कोई एनिमल का कार्कस है, आगे जाके हम गिर पड़ रहे हैं, और मतलब कि हम गोलियां चला रहे थे, रियल गोलियां थी, रियल गोलियां थी, मतलब वो आवाज आती थी और लग जाए तो बहुत जोर की चोट आई, और रेत तो मतलब भूल ही जाओ, इतना डस्टी था कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि हम सकम कर चुके थे, सुशांत जाके लेट जाता था रोज सुबह, मैं उसमें नागिन डांस करता था
क्योंकि वो धीरे धीरे मतलब धूल मिट्टी लगाने से अच्छा मतलब कूद जाओ उसमें. वो यूं जाता था शॉट के पहले, इकट्ठा करता था मिट्टी और यूं उसको देख के हम सब शुरू हो गए. लोग मतलब मिट्टी की होली चल रही थी हमारे सेट पे. एक्चुअली अच्छा लगा, करेक्टर में भी चले गए पूरा मेकअप वेकअप, क्योंकि डाकू लोग आते वाते होंगे ना जी. और कंटिन्यूटी इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही अच्छा है, फ्लर्ट ज्यादा अच्छा करते हैं. बस सीधी बात पे आते हैं. मैंने देखा है ये जो मेरा दोस्त है सुशांत है इसमें, ये है फ्लर्ट. मैं देखती थी यहाँ वहाँ लड़कियों से, चंबल की जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी अच्छा. उनसे बात करता था क्योंकि डकैत है ना दिल में सब. मुझको ऐसे कर रहा कि क्या बोले जा रही है तू. करेक्टर में आने के लिए दिलों दिलों वर्दी ऑफ द करेक्टर, दिलों पे डाका डालता है. नहीं नहीं शरीफ बंदा है, करेक्टर में आने के लिए कर रहा होगा. भाई बीहड़ में नहीं करना कभी पंगे ऐसे. बीहड़ वाले हाँ वो पूछते बाद में, पहले गोली मारते हैं. मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भूमि जो है वो एक्टर बनने से पहले कास्टिंग डायरेक्टर भी थी. और भूमि एक बात पूछने जाते हैं सब आपके फैंस कि आपके दिल में शुरू से था कि आपको एक्ट्रेस बनना है कि कास्टिंग करते करते आपने. नहीं शुरू से ही था. मैं जब 11-12 साल की थी, जब एक अमाउंट ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाती है कि क्या हूँ कब बनना है बड़े होके, तो एक्टर ही था हमेशा. वाह, तो कितनी उम्र में आपको आइडिया लग गया था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है? 12-13 साल. वाह, मैं इसीलिए कहता हूँ लड़कियां ना जल्दी मैच्योर हो जाती हैं. लड़कों को मुझे 27 साल तक नहीं पता चला था करना क्या है. उसके बाद भी नहीं पता चला. वो तो एक शो आया, उसमें गए, वो चलो रोजी रोटी चलनी शुरू हो गई. पता है मुझे वैसे आज तक नहीं चला कि करना क्या है, क्योंकि बीच बीच में फिल्में कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा. जब ये कास्टिंग डायरेक्टर थी तो इन्होंने मुझे मेरी दूसरी फिल्म मुझे कास्ट किया था और मुझे उसमें रोल दिया था. सो थैंक यू सो वेरी मच. बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ फिल्म कर रहा हूँ. अभी हम लोग अभिषेक से हमने ये कहा कि भैया तुमने जो झंझट किया हम लोगों के साथ वो ये है कि शिक्षा तक जुड़ गई आज अपराधों की पर पार्टी में, और पढ़े लिखे तक पहुँच रहे हैं अब चंबल की घाटी में. बतलाओ दायित्व भला ये किसके सर पर जाता है? तो ये किसके सर पर जाता है? भोली भाली प्रतिभाओं को डाकू कौन बनाता है? अभिषेक चौबे ने किया है. आज सिद्धू पाजी मिस कर गए आप, आपको टक्कर देने आए हैं भाई साहब कसम से. आज उनको शायद पता चल गया होगा जी कि इधर ना ज्यादा मतलब फ्लो वाले आदमी आ गए तो निकल गया. वो आज मेरी मीटिंग है कहीं. जी भाई साहब नहाना जरूरी है या नहीं? आपका मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप कहेंगे कि नहाना जरूरी नहीं है. बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने, बिल्कुल सही पकड़ा. और आपकी बहुत कॉपी करता हूँ सर मैं. अरे सर बहुत कॉपी करता हूँ. एक बार करके बताइए, एक बार करके बताओ. मुझे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गए आप. मुझे मतलब मुझे मेरी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं आया. वैसे कपिल जी पाजी जो नहाने की बात आपने कही है इसमें दो ना लगे हुए हैं जी, तो ये शास्त्रों में वर्जित है. शास्त्रों में कहा गया कि माघ सपरे महापापी, माघ के महीने में, और कार्तिक सपरे कुत्ता. अच्छा, और रोज रोज सपरे, सपरे मतलब नहाना, रोज रोज सपरे टकर परी यानी स्वर्ग की परियां. अच्छा जी. और ना सपरे वो देवता. एक ऐसे भाई साहब ना नदी के किनारे खड़े थे सर्दियों में, तो उनका नहाने का दिल नहीं कर रहा था. उन्होंने पहले एडी एडी की गाड़ी होती है ना चमड़ी, ज्यादा ठंड वगैरह गर्मी पता नहीं लगती. ऐसे एडी बहुत ठंडा था उनका, कहते एडी नहाई तन नहाया, तन नहाया मन नहाया, मन नहाया मैं नहाया. एक इनके जैसा खड़ा था, कहता है तन नहाया मन नहाया, मन नहाया मैं नहाया. इनके जैसा खड़ा था, हाल लगा कहता तू नहाया मैं नहाया. शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद. फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.